हाय मुकेश, हाउ आर यू? कैसे? आई एम गुड, कैसे हैं आप? आई एम ओके, स्टिल बस कुछ ही, स्टिल कोपिंग अप. यस, आई एम श्योर. एक टफ टाइम है, एक मोमेंटस टाइम है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने जो सपना देखा था वो साकार हुआ, मगर जिसके साथ सपना देखा वो थोड़ा सा अधूरा रह गया. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स राइट नाउ. ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? दिल बेचारा की दिल बेचारा के जर्नी की शुरुआत हुई कि जब मैं आई थिंक 2018 में जब मुझे रुचा पाठक फॉक्स स्टार स्टूडियो ने अप्रोच किया था फिल्म के लिए, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, एक्चुअली मुझे बहुत 2016-17 से ये मन में फीलिंग आना शुरू हो गया था आई वांट टू डायरेक्ट माय सेल्फ. तो कास्टिंग के प्रोसेस के दौरान जब आप बहुत सारे एक्टर्स के साथ डील करते हो, आप बहुत सारे ऑडिशंस करते हो, तो वहीं पर आपको एहसास होता है कि यार आई शुड डेफिनेटली ट्राई माय हैंड इन डायरेक्शन. बिकॉज जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट संभालता था, वहाँ से मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना. जब कास्टिंग कर रहा था तो बहुत सारे ऑडिशन ले रहा था, वर्कशॉप कर रहा था एक्टर के साथ, तो वहाँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे डायरेक्शन करना है. तो बस मन था कि फिल्म बनाने का. मेरे बहुत सारे जो भी दोस्त हैं, राजकुमार, यू नो, आयुष्मान, सुशांत, सब लोग बोलते थे कि डेफिनेटली मैं इवन, तो आई ना राजकुमार सब लोग कहते थे, लेकिन जब सुशांत ने भी बोला था एक बार जब आप पहले फिल्म बनाओगे तो आई विल एक्ट इन योर फिल्म, तो ही सेड दैट इन 2017. इसे मैंने बोला पक्का, इसे पक्का भाई, पक्का अब बनाओ. तो 2018 में व्हेन रुचा पाठक फ्रॉम फॉक्स स्टार स्टूडियो अप्रोच मी, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत इमोशनली मूव किया उस स्क्रिप्ट ने, तो मैंने इमीजिएटली उस स्क्रिप्ट को हाँ किया. और फिर मैंने सुशांत को फोन किया एंड ही इमीडिएटली सेड यस, बिना स्क्रिप्ट को पढ़े हुए, विदाउट रीडिंग अ स्क्रिप्ट ही सेड यस. आई थिंक वो ट्रस्ट था, वो बिलीव था, वो प्यार था, तो इमीडिएटली ही सेड यस. वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई. फिर एक एक करके लोग जुड़ते चले गए, फिर संजना आना हुआ, फिर रहमान सर हुए, फिर एक एक करके सब लोग जुड़ते चले गए. अच्छे दोस्त मिले जी, अच्छे लोग मिले शायद फिल्म के यूनिट के साथ. आपने शुरुआत मतलब बहुत जल्दी ही की थी लाइफ में, लाइक आई थिंक यू वर 13 और 14 समथिंग लाइक दैट, तब से ही शुरुआत, मतलब ये इस चीज की शुरुआत तब से ही हो गई थी. बट अब इतने सालों में आपने इतने जेम्स दिए हैं इंडस्ट्री को, मतलब टैलेंट को परखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब आधा जॉब तो तभी हो जाता है फिल्म का जब उसका जो सही कास्टिंग हो जाती है जी. तो ये सब आपने किया, बट आपका ये डेब्यू फिल्म है, तो वो फीलिंग तो मतलब एक न्यूकमर की तरह ही होती होगी, कैसी होती है वो फीलिंग? आई थिंक मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे ना अभी वो पहली फिल्म वाली खुशी की फीलिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो खुशी जब सुशांत साथ में होता है, जो साथ में ड्रीम देखा था, तो शायद इसका इस पहली फिल्म की फीलिंग कुछ और होती, पर अभी तो ये फीलिंग कुछ और है. अभी तो मुझे ये नहीं पता कि आप कितना यू नो इट्स अ वेरी बिटर एंड स्वीट फीलिंग, शुड आई बी हैप्पी और शुड आई बी सैड, बिकॉज मेरी पहली फिल्म आ रही है और साथ में सुशांत नहीं है. तो अभी मुझे शायद वो वाली फीलिंग जो आप जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं वो फीलिंग का मुझे आइडिया नहीं है. आई थिंक जब मैं अपनी सेकंड फिल्म बनाऊंगा या वो फीलिंग शायद वहां पर आएगी एज अ फर्स्ट फिल्म वाली, ये तो फीलिंग कुछ और ही है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. आप उनके बहुत क्लोज थे, मैंने बहुत बार आपको देखा है उनके साथ, मतलब जो उनके आपके साथ चर्चा है उनकी बहुत, ये वो बहुत क्लोज थे आपके, तो मतलब जब आप लोग इस फिल्म पे काम कर रहे थे, what was Sushant is film se kya expect kar rahe the? I think uska yehi man tha, hamesha bolta tha ki bhai aapke pehli picture hai, jaan laga denge. Isliye usko dekho ki is film ke liye usne kitna, matlab aap dekho ki usne kaise Son Chida ke look ke baad is film ke tarah jis look mein aaya aur kaise usne single shot gana bhi complete kiya. To I think usne apni apna as a brother, as a dost, usne apna best mujhe lagta hai is film mein usne kiya hai. और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको उसका जो हार्ड वर्क है, उसने कैरेक्टर कैसे बनाया है, वो आपको खुद ही दिखेगा. सुशांत मतलब ये फिल्म तो 8th को रिलीज होने वाली थी, 8 मई को, उससे पहले उन्होंने फिल्म देखी नहीं देखी, क्या रिएक्शन था? आई थिंक ही लव्ड द फिल्म. ड्यूरिंग द डबिंग के प्रोसेस में उसने पूरा फिल्म देखा, उसने दिल बेचारा गाना कम से कम कई बार डबिंग पे भी देखा, और उसके बाद पर दुख इस बात का है कि वो फाइनल फिल्म नहीं देख पाया, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसमें और
गाने उसने जब देखे थे, दिल ये उसका फेवरेट गाना दिल पे चला, सिंगल शॉट पे उसने शूट किया उसको, बहुत बार देखा तो ही वाज इन लव विद दैट गाना, उसको ही वाज इन लव, वो तारे किन गाने से बहुत प्यार करता था, तो उसके पास वो गाने भी हैं जो तारे किन गाने वो सुनता रहता था, मैं तुम्हारा, तारे किन, सब उसके फोन पे बहुत पहले मैंने उसको दे दिए थे। तारों का बड़ा शौक था, और मतलब तारे देखते थे, इन सब चीजों का बहुत शौक था। What was he really, really fond of? और मतलब जब आपकी तारे जो आप बोल रहे हैं, तारे मेरी फिल्म के सेट पे भी पूरा टेलीस्कोप लेकर पहुंचा था वो जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में उसका टेलीस्कोप हमने मंगाया था बम्बई से, वो प्रोडक्शन यूनिट के ट्रक में वो टेलीस्कोप भी आया था, वो छत पे टेलीस्कोप लगाया था और वो वहाँ पे भी स्टार्स देखता था। आई थिंक वो एंड वो क्वांटम फिजिक्स और वो पेंटिंग भी करता था, बहुत कम लोगों के जन्म में कि वो पेंटिंग भी करता है, वो पेंटिंग भी करता था, और वो खाने का बहुत शौकीन था, खेलने का बहुत शौकीन था क्रिकेट, तो जब मौका मिलता था तो वर्कआउट के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलता था, तो उसके सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, उनके साथ रहे हैं वो जानते हैं। हमने उनको टीवी से भी देखा बहुत, मतलब टीवी के टाइम पे उनको बहुत देखा, बहुत मतलब ही वाज वेरी रिजर्व्ड, बट जिन जिन के साथ वो बहुत खुल जाते थे तो वो उनके साथ बहुत शेयर करते थे। आई एम श्योर आपके साथ भी बहुत कुछ शेयर किया होगा, और डिड यू एवर फील दैट ही वुड टेक दिस स्टेप? कभी भी नहीं। था कभी कभी ऐसा लगा कि वो he is something, he was a very मतलब बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे लाइफ में, he was very I think उसके बहुत सारे ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को लिखता था, फॉलो करता था, वो बहुत ही अपने ड्रीम के साथ बहुत प्यार करता था। ड्रीम देखना एक होता है, ड्रीम्स को पूरा करना, तो उससे बिलीव करता था। आप उस फिल्म को किस तरह से याद रखेंगे, उस दोस्त की निशानी, आपका डेब्यू, इंडस्ट्री को एक अच्छी फिल्म, किस तरह से याद रखना चाहेंगे? आई थिंक उसकी निशानी वो जो मुझे देकर गया जिंदगी भर, ऐसे याद रखूंगा। मेरी तो फिल्म है ही नहीं, अभी सुजान की फिल्म है और पूरे देश की फिल्म है, जिस तरह से इसको प्यार मिल रहा है, मेरी फिल्म तो अभी है नहीं, मैं तो बोलते नहीं की मेरी फिल्म है, तो उसकी फिल्म है, लोगों का प्यार है उसकी, उसी की। हाँ, हाँ, बोल रहे थे कुछ। I think उस ये लोगों का प्यार है और ये उसकी फिल्म है, ये उसकी लास्ट फिल्म है, जो लोग, क्योंकि वो पहली फिल्म में मेरे साथ काय पोचे कर गया था और लास्ट फिल्म में मेरे साथ करके गया है, तो ये बस मैं जिंदगी भर इसी के साथ सोचता रहूंगा अभी। आप ये जो फिल्म है ये बेस्ड है फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उसमें मतलब हालांकि मैं इसका बहुत लोगों ने पढ़ी है बट इसका क्लाइमैक्स नहीं बताना चाहती हूँ, मगर कितना आयरोनिक है उस फिल्म में भी और असल जिंदगी में भी। जब मैं भी इस बारे में सोचता हूँ, जब रोज इस बारे में सोचता हूँ जब से ये सब हुआ है, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि वो ऐसा कैसे लाइफ के साथ जुड़ गया है ये पिक्चर, उसकी हर लाइनें जो है वो अलग तरीके से उसका मीनिंग बदल गया है। आप चाहे डायलॉग भी देखेंगे, हर चीज का मीनिंग बदल गया, कि जब आप एक फिल्म के प्रोसेस में होते हो, राइटिंग के प्रोसेस में होते हो, आप तो बस उस मोमेंट में उस कहानी को सोच के लिखते हो, पर एवरीथिंग विल चेंज, द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन एंड एवरी सीन विल बी डिफरेंट। मुकेश, आप उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स में से एक है, डू यू थिंक, मतलब इतनी सारी उनका ये बन गया, उनके घर का मार्ग बना दिया, उनके नाम का बहुत कुछ हो गया, do you think he would be resting in peace now? I think he, wherever he is, he must be, he'll be very happy. I think अगर वो यहाँ पे उसको लग रहा है कि वो दुख था, तो I think वो बहुत, उसको इतना प्यार मिल रहा है, वो लोगों को प्यार देख के कुछ तो होगा ही, कुछ तो है वो, ये तो मुझे पता है कि वो जहाँ भी है, he's looking at all of us. Okay, आपके लिए डायरेक्टोरियल डेब्यू है आपका, तो व्हाट आर द मोमेंट्स दैट यू विल रिमेंबर फ्रॉम दिस फिल्म, लाइक शूटिंग के, अभी तो स्पेशली शूटिंग के बहुत सारी वो मोमेंट्स याद आ रहे होंगे जो आपने शूट के टाइम पे बड़े मेमोरेबल रहे होंगे, बड़ा अब तो सिर्फ वही घूम रहा है, जब से फिल्म के सीन देखता हूँ, एक फोटो देखता हूँ, या मेकिंग देखता हूँ, या ट्रेलर देखता हूँ, या व्हेन आई एम वर्किंग ऑन द फिल्म पोस्ट पे देखता हूँ, या DI में देखता हूँ, VFX के टाइम पे देखता हूँ, तो वो सीन कैसे शूट किया था, उसके सीन पीछे बिहाइंड द सीन कैसे कैसे हमने डिस्कशन किया था, कैसे कैसे बातचीत करी थी, कैसे कैसे हमने जोक क्रैश किए थे, क्योंकि
ये बहुत इमोशनली बहुत हैवी फिल्म है, तो हमको अनवाइंड करने के लिए कुछ उसको एंटरटेनमेंट की तरह यू नो बदलना पड़ता था, हम लोग खेलना पड़ता था, खाना खाना पड़ता था, और यू नो जस्ट टू जस्ट गेट आउट द डेट गेट आउट ऑफ दैट मूड. तो हर सीन, हर डायलॉग, हर 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 सेट के, हर एक दिन के बहुत सारे मेमोरीज. अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बस एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी. जो सुशांत के सारे फैंस हैं वो शायद ऐसे चाहते कि बड़े पर्दे पर देखें, बट ये इस पे आ रही है और वैसे भी इसके थ्रू भी ये पूरी दुनिया तक पहुंचेगी. आप क्योंकि फिल्म के बंदे हैं तो फिल्म के लोगों को वो 77 mm का जो पर्दा होता है वो बहुत खास होता है. आपको लगता है कि इसको उस पे भी रिलीज होना चाहिए? I think ये जो जिस कंडीशन से अभी पूरी दुनिया गुजर रही है, हम गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान गुजर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है. ये इतना बड़ा पैंडेमिक जो वर्ल्ड में हुआ है, तो ये नॉर्मल सिचुएशन में बात कुछ हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है, थिएटर नहीं खुल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, एंड किस तरह से एवरी डे इन आर कंट्री यू सी द अमाउंट ऑफ कोविड केस आर इंक्रीजिंग. तो आई थिंक ये जो डिसीजन है ओटीटी पे रिलीज करने का, अल्टीमेटली यू वांट ऑडियंस टू सी द फिल्म एंड इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन. यू एज एन डायरेक्टर और एज एन एक्टर आपका पर्पस क्या है, जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इस फिल्म को देखे और प्यार दे बस. अच्छा, इसको एंड करते हैं इससे कि 24th को आपके किस तरह से और किन किन के साथ ये फिल्म देखना चाहेंगे? आई थिंक हम सब घर पर ही हैं, सेफ हैं. आई एम नॉट स्टेपिंग आउट बिकॉज मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ एंड दे आर क्वाइट ओल्ड, तो मैं उनके साथ बैठ के फिल्म को देखने वाला हूँ. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अगर मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं जब घर आऊँ तो मुझे अपने माँ बाप से मिलना होता है. बहुत कोशिश है कि मैं बहुत बहुत कम बाहर जाता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के साथ ही ये फिल्म देखूंगा. वो भी बहुत वेट कर रहे हैं, उनके भी मन है बहुत इस फिल्म को देखने का. चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म. एंड आई होप सुशांत वहां ऊपर देख रहे होंगे और वो भी स्माइल और ट्विंकल के साथ आपको अपना विशेस दे रहे होंगे वहां से. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ये है ABP News, आपको रखे आगे.